पर ठाकुर जी सुनी लागू करते हैं
जयपुर में गोविंद देवना किसने किसने गोविंद देव को दर्शन किया जयपुर में, हाँ जयपुर का लोग खूबसूरत है, इसलिए ठाकुर जी आप वहाँ पर देखोगे सदर मंगलारती इतने ठंडी और पूरा नाट मंदिर भर हुआ और एक झांकी में इतने कितने हजार हजार लोग आते हैं कृष्ण भक्त थी, अपने हाथों से भद्रमन को सेवा पूजा अपने हाथों से करती थी, माला बनाया करती थी, ठाकुर को श्रृंगार करती थी। अब उसकी शादी की लायक हो गई, राजा ने उनको करुण लिया, राजा करुणी राजा को साथ में शादी करने का तय की। मानसिक ने पूछा देख बेटी मैं दहेज रूप में जो दूंगा सो तो दूंगा, लेकिन तेरी मन में कोई इच्छा है तो बता दे। बोले पिताजी भले ही दहेज रूप में कुछ दो और मत दो, लेकिन ये मदन मन ठाकुर दे दो, क्योंकि तू बचपन से मैं सेवा पूजा इनको करते नहीं आई, इनके साथ मेरा प्रेम है। मम्मी मैं उधर से जिनको सेवा करोगे ना उनके साथ में प्रेम हो जाएगी। इतने प्रेम का नाम ही मदन मन को बड़े सुंदर ठाकुर जी थे, मैंने नहीं बेटी तू और किसी ठाकुर को मांग कर, ये मदन मन को मैं नहीं दे सकता, मैं जाऊँगी तो शादी करूंगी तो किसी ठाकुर को लेकर जाऊंगी तो मैं जाऊँगी नहीं। अभी बोले ठीक है प्रमाण क्या है तुम ये मदन मोहन को प्रेम करते हो, कल इसका मैं परीक्षा करूंगी। बोले क्या, मैं तुम्हारी आंखों में काला पट्टी बांधूंगी। और वहां पर बहुत सारे ठाकुर जी हैं, सब ठाकुर जी को मैं खड़े करके रखूंगा, जिस ठाकुर को जाकर स्पर्श करके बोलोगे ये ठाकुर तो घर वही ठाकुर कह दूंगा। बोले ठीक है। अभी रात में तो राजकुमारी रो रो करके ठाकुर जी को प्रार्थना किया, ठाकुर जी असली पति का आप ही हो, आप प्रेम को आप ही जानते हो, आपको खिलाए बगैर खाती नहीं, सुलाए बगैर सोती नहीं, आपको रोज श्रृंगार करती हूँ, लेकिन पिताजी कहते परीक्षा करके देखी पता कैसे लगा आप बदन मोहन, जब उनकी छक्की आई ना ठाकुर जी स्वप्न में आए। बोले चिंता मत करो, जब तुम आंख को काला पट्टी बांध देंगे एक काम करना, तुम्हें ऐसे हाथ करते 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 हाथ में, जब तुम मेरे पास में आओगे ना तो मेरे हाथ को दूसरे दिन जब सब लोग आए आंखों में काला पट्टी बांध दिए, सारे ठाकुर को लाने करके खड़ी करती, जब उन्हें हाथ सब बिगड़ा था, हाथ लगाते लगाते मदन मोहन के पास आया, कोई नहीं देख रहा था, कोई नहीं देख ठाकुर के हाथ पकड़ा। बोले पिताजी हमें यही ठाकुर दे दो। बोले बेटी तू जीत गए मैं हार गया हूँ, इसलिए ठाकुर जी वहाँ चले गए। कारण है उनको कहीं भी प्रेम करने वाले को मिलनी चाहिए, इसलिए कहते हैं ना सबसे ऊंची प्रेम सगाई भगवान, इसलिए जयपुर का लोग ज्यादा प्रेम करने वाले, राजा मानसिंह का बेटी राजा मानसिंह बड़े कृष्ण भक्त थे, इसलिए ठाकुर जी कुछ ना कुछ बहाना बना के ठाकुर जी चले जाते हैं, इसलिए ठाकुर जी को यहीं पर कुछ दिन तक रखे हुए थे, इसलिए यहाँ पर बड़े-बड़े समय में यहाँ पर ये मंदिर को स्थापन करके यहाँ पर श्री गोविंद और श्री यहाँ पर श्री वृंदा देवी को स्थापन की है। कभी जो वृंदा देवी गुरुदेव कहते थे भगवान की विशेष कैसे हो सकती है, कहते एक है वृंदा देवी और एक है जोग माया, पर ये जोग माया कौन है, संपूर्ण लीला को जो पुष्टि करने वाली है जोग माया, क्योंकि जोग माया के बगैर कुछ भी लीला समाधान नहीं होता है, इसे चैतन्य चरितामृत में बताए भाव ऐसे प्रभु नहीं ज्ञान ज्ञान इच्छा शक्ति इच्छा जाने लीला शक्ति करे समाधान। महाप्रभु तो कृष्ण प्रेम में विभावित है, कृष्ण तो एक प्रेम में विभावित है, लेकिन इनको इच्छा जान करके लीला शक्ति सारी इच्छा पुष्टि करती है, अगर ये जोग माया नहीं होता है ना प्रभु का कोई भी लीला नहीं हो सकती, जो माया ये सारे लीला को जो माया करते, क्यों कृष्ण भगवान, अगर हर समय उनको याद रहेंगे भगवान हूँ फिर भी लीला कभी होगा,
भैया कभी काम कर सकती है, भगवान कभी बात सकती है, कभी गोपियों के चरण में कृष्ण गिर सकते हैं? नहीं, उनको पता होगा तो परम पर भगवान है, पर तो लीला हो ही नहीं सकती। इस योग माया क्या करती है, इनकी इच्छा जान करके वो सारा लीला सकती। जैसे एक बात सुनने से अभी कृष्ण ने मिट्टी खाई, जब मिट्टी खाई मैया ने पूछा लाला तेरे मिट्टी खाई? बोले नहीं। बोले सखा लोग जो बोलते ताऊ भैया बोल रहे हैं। बोले भाई मैया ताऊ ऊपर में देखने तो गोरे नहीं लेकिन अंदर में बड़े कारो हैं, लेकिन ऊपर में तो कारण हूँ भैया, अंदर में तो बड़े गोरो हूँ। इसलिए कहते अभी झूठ बोली, अभी झूठ बोलता है। कृष्ण सोचा अगर मिट्टी खाए तो मेरे मुंह खोल कर देख ले। कृष्ण सोच रहे थे भैया मानी जाएगी, भैया एक धमकी लगाई ना इतने में कृष्ण का मुंह खोल दिया। देखो योग माया का काम करती है, उनकी छठ मुंह खुल गई। जब खुल गई ऑलरेडी कृष्ण के मुंह में मिट्टी लगा हुआ है और एक हाथ में तो कान पकड़ कर रखी और एक हाथ में छड़ी है। अभी कृष्ण सोच रहे मुंह तो मिट्टी है, अगर भैया दूसरा तो मुंह में मिट्टी लगेगी ना एक डंडा नीचे नहीं सब पीठ पर पड़ेगा। कृष्ण की इच्छा, इनकी इच्छा जानते ही छठ को जोर माया ने क्या किया, कृष्ण की क्या इच्छा है, मैया मेरे को मारे नहीं, छठ ने ब्रह्मांड रूप दिला दिया, अनंत बड़े विश्व ब्रह्मांड, मैया खुद को खुद देख रहे थे। अभी मैया की मन में इच्छा हुई थी भगवान ये क्या मैं देख रहा हूँ, विश्व ब्रह्मांड में लाला को मुंह में होना ही तो भगवान नहीं है, ये तो कहीं भगवान नहीं। अभी कृष्ण ने कहा गड़बड़ी हो गया, क्या गड़बड़ी हो गया, मैंने तो ब्रह्मांड रूप दिखा दिया। मैया सोच रही है मैं क्या भगवान नहीं, अगर मैया को पता चले मैं भगवान फिर मैया क्या करेगी, जैसे घर में छोटी सी थाली ला दी थोड़ी सी बात सुन देता हूँ मीठा बोल ला करके घंटा मिला करके तो गई वो माता च पिता तो गई वो सखा बंधु जैसे करते थी मेरे लिए छोटी सी मंदिर बनाकर मेरे को भी बंधु रखे, पर सखा को साथ में जो खिला दिला कर तब कैसे होगा, हो नहीं सकता। कृष्ण डर गए, जब डर गए तभी जो इच्छा सकती जो माया समझ गई, क्या समझ गई, प्रभु डर गए। इतने में उन्होंने क्या किया, सारे लीलाओं को अंतर ध्यान कर लिया। कहते सारे काम कौन कर रहे हैं, जो अगर ये जो माया नहीं होगी ना कुछ भी प्रभु कोई भी लीला संभव नहीं। लेकिन ये जो माया क्या करती है, कहते समस्त लीला पूरी करने वाली। लेकिन कहते जो वृंदा देवी ये क्या करती है, कहते इनका काम है कृष्ण की जो मधुर लीला है इसको पुष्टि करती है वृंदा देवी। मधुर लीला मतलब उनको जैसे श्रृंगार लीला, जैसे सुंदर कुंज से जाना है, जैसे जब राधा कुंज श्याम कुंज को प्रकट हुई तब श्री जो माया बोलती है हे वृंदा देवी कि राधा कुंज श्याम कुंज को इतने सुंदर रूप में सजाओ जैसे पृथ्वी का सर्वोत्तम स्थान हो। यही आदेश को पा करके यही वृंदा देवी सुंदर सुंदर राधा कृष्ण के कुंज से जाती है। कैसे कुंज, उसी कुंज का नाम है नील वर्ण, किसी कुंज का रंग लाल वर्ण, किसी कुंज का रंग सफेद वर्ण, कुंज कैसे कभी फूल में कभी पत्ते में अगर उसको अंदर में कोई चली जाए ना आप यही में खड़े रहोगे कहते वो कुंज का रंग इनका रंग खराब हो जाता है। यही पर भी रह करके देख नहीं सकते अंदर में क्या हो रही। उन्हें चारों तरफ से सुंदर झूला बनाए, सुंदर सुंदर कमल फूल उन्होंने खिलवाए। कौन करती है, यही वृंदा देवी करती है। अब राधा कृष्ण को ला कर कुंज में मिलन कौन कराने वाले, यही वृंदा देवी, यही वृंदा देवी। अब जैसे मैंने बताया जो निशान क्रिया में राधा कृष्ण भी सो रहे संकेत में, अभी सूरज उदय होने वाले राधा भी चली जाएगी जहाँ पर कृष्ण चले जाएंगे नजर, अभी काम को कौन करवाए, कृष्ण तो सो रहे, कृष्ण राधा कृष्ण तो सो रहे हैं आनंद से सो रहे, उनको जगाएगा कौन, यही वृंदा देवी। वो आदेश देती है मुर्गा को कू कू कू, जब उठती नहीं ना पर कटखटी जो राधा के बंदे भी उसका आदेश देती जोर जोर से बोलो जटला जटला फुटला फुटला जो बोलते हैं राधा कृष्ण चले जाते हैं, चले जाते हैं। फिर वहाँ पर आरती होती है दोनों दोनों चले जाती हैं। कभी जितने सारे श्रृंगार लीला है इसको जो पुष्टि करने वाले श्री वृंदा देवी यही सारे काम करती है। इसलिए कहते हैं छापान भोग छत्रिस व्यंजन बिना तुलसी प्रभु एक नाही मानी। ठाकुर को जो कुछ भी भोग नहीं लेना तो जब तक ये तुलसी बता नहीं देगा ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए कहते ना वृंदा ही तुलसी ते परि प्रिया ही केशव सच कृष्ण भक्ति प्रज देवी सत्य वदई नमन। इनकी कृपा से ही कृष्ण भक्ति मिलती है, इनकी कृपा नहीं होगी ना इसलिए गंगा सहिता ही वर्णना किया। राधा रानी को कृष्ण कैसे मिले, जब भी लौकिक लीला है कैसे मिले,
छुपे राधा रानी वृंदा देवी को पूजा करती थी, वृंदा देवी को पूजा करती थी, इनकी कृपा से उनको श्याम सुंदर की प्राप्ति हुई। तो राधा रानी को अगर कृष्ण प्राप्ति होगी ना कहते वृंदा देवी को द्वारा है, इसलिए बोले जो वृंदा देवी बहुत तरह से कल्याण करती है, आठ तरह से बोले कैसे, बोले दृष्टा अस्पृष्टा तथा ध्याता कीर्तिता नमीसा श्रुता दृष्टा, अगर कोई तुलसी को मतलब दर्शन कर लिया बस तुलसी दर्शन मात्र से कल्याण हो जाती है। स्पृष्टा अगर उसको स्पर्श कर लो, जैसे गले में तुलसी कहीं हम धारण करते हैं, तुलसी के धारण करते ठाकुर को जो भी भोग लगाओ तुलसी के ऊपर भोग नहीं लगता है, इसलिए गले में जब तक तुलसी कटी नहीं हो ना तब करते तब तक ये शरीर ठाकुर को सेवा नहीं करता है। इसलिए जिनकी गले में तुलसी कटी नहीं है आप लोग ठाकुर को सेवा करने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं बता, क्योंकि जो चीज को स्पर्श कर वो अपवित्र हो जाएगा, फिर काटी वैसा का शरीर है। इसलिए जैसे तुलसी बताते हैं ठाकुर स्वीकार कर लेते हैं, गले में तुलसी कटी पहनने पर ये शरीर ठाकुर की सेवा में लग जाती है, ध्यान के द्वारा स्पर्श के द्वारा और रोपिता, अगर कोई तुलसी वृक्ष को रोपण करे कहते हृदय में मानो कृष्ण भक्ति बीज को तुमने रोपण किया है, इसलिए प्रणाम करो पानी को, आठ तरह से ये तुलसी देवी जीव का कल्याण आठ तरह से तुलसी देवी कल्याण करती है। इसलिए हमारे भक्ति प्रज्ञा सब कैसे होगा हमारा, जो हम तुलसी परिक्रमा करते हैं ना, नमो नमो तुलसी कृष्णा प्रेयसि कृष्णा नमो नमो जेतो मार शरण लय से कृष्ण सेवा पाए कृपा करि कर चाहे वृंदावन वासी तुलसी प्रेयसि नमो नमो। जब तक इनकी कृपा नहीं होगी राधा कृष्ण की सेवा नहीं मिलेगा, इसलिए कहते छापा न भोग 36 व्यंजन बिना तुलसी प्रभु एक नानी वाणी, कहते वृंदा देवी कृपा से जीव को निपुंज सेवा में जीव को अधिकार मिलता। इसलिए जगत में तरह तरह का फल और फूल है, लेकिन तुलसी का जो महत्व है इसकी महत्व और किसी को साथ में बराबर नहीं कर सकते। उन्होंने पूरा तुलसी की महिमा उन्होंने संपूर्ण शास्त्र से लेकर के पूरा तुलसी देवी का उन्होंने पूरा चिंतन किया, इसमें तुलसी तुलसी की महिमा। इसलिए यहाँ पर श्री वृंदा देवी इनकी कृपा से ही जीवों को राधा कृष्ण की सेवा में अधिकार प्राप्त होता है। और यहाँ पर श्री गोविंद देव भाई आप लोग श्रवण कर रहे थे, इसके लिए श्री रूप गोस्वामी एक श्लोक देते हैं, ले खबरदार सबको सावधानी करते हैं, बोले क्या है, ले खबरदार कभी वृंदावन मत जाइयो, बोले भैया वृंदावन तो भरे, बोले अगर वृंदावन से अगर भूल से पहुंच गए ना मथुरा वृंदावन में खबरदार कैसे भी तो घाट में तो तैयार नहीं कर लिया है, बोले ऑलरेडी हम तो कैसे भी तो घाट में तैयार ही है, बोले अगर वहां पर भूल से चले गए ना वहां पर एक गोविंद देव का महिमा तो तैयार करनी ही चाहिए, बोले भैया ऑलरेडी वहां पर खड़े हो, वहीं पर खड़े भी हो, बोले हाँ बोले सावधान उनका आत्मा में आत्म मत मिला उनको रूप को बंद ना करो है, उनको जो तेरी जो चिंता कर रहे हैं ना वो तीन है, उनका जो मीठी मीठी हंसी हंसी नहीं कभी कभी जादू है, खबरदार उनके सर पर जो मर मुकुट है उसमें तो नजर पड़नी नहीं चाहिए, कहते सेरू पर नयन है केवल नाही घर के संसारी जीवन जो तो सारे भाई सरना, कहते वो रूप के द्वार पे दर्शन कर लेना फिर तो घर कोई वापस नहीं जाएगा, जो संसार जीव तो है सर्वनाश, जो संसार व्यक्ति को उसको सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए कहते रूप गोस्वामी कि किसके लिए कह रहे हैं, किसके लिए सब बात को कह रहे हैं, बोले बंधु संगे थाके जति रंग परिहास, जिनको ये संसार का आनंद पाना पति पत्नी बेटा बेटी बहुओं को आनंद पाने की इच्छा है ना उनको सावधान कर रहे हैं, उनके लिए सावधान कर रहे हैं है? अगर आप लोग अगर पिता उनको देखेगा ना पति अगर देखेगा पत्नी को भूल जाएगा, पत्नी अगर देखेगा पति को भूल जाएगा, बच्चा अगर देखेगा पिता माता को भूल जाएगा, पिता माता अगर देखेगा ना बच्चे को भूल जाएंगे। इसलिए हमारे तिलकर गोस्वामी महाराज ध्यान देंगे उसमें वो क्या कहते थे, कहते भैया सेरू पर नए हेरे क्यों नहीं घर दिए, कैसे एक बार अगर उनको दर्शन करना घर में कोई वापस नहीं आएगा, लेकिन अलमेरी के लोग तो रिटर्न टिकट बना के नहीं आए, दिव्य क्रम आज के सबके सब रिटर्न टिकट कहते उनको देखने पर
वापस नहीं जा रहे, लेकिन ये तो पहले से रिटर्न टिकट बना देता है। इसका मतलब है वास्तव रूप में उनका दर्शन हमारी नहीं हो रही है, लेकिन जब वास्तव रूप में उनका दर्शन कर देना फिर तो राधे राधे बोल और श्री वृंदावन में बोल, इसलिए बस आपार करते उनको दर्शन मतलब। इसका मतलब क्या, अरे भैया अगर जीवन धन्य बनाना चाहते हो एक बार ये गोविंद देव को देखो, देख करके देखो ठाकुर जी कितने सुंदर कितने प्यारे, ठाकुर जी कितने मीठे, एक बार तो देखो। अगर इनको देखोगे ना संसार में सब कुछ देखना तुम भूल जाओगे। श्री गोविंद देव के चरण में वृंदा देवी के चरण में आए प्रार्थना करो, ठाकुर जी एक बार सचमुच हमें दर्शन दो, आपका दिव्य रूप एक बार दर्शन हो, जिस रूप को देखने का बाद और दुनिया में जैसे किसी रूप को देखने का हमारी इच्छा नहीं रहेगा। और गुरु जी चरण में वैष्णव के चरण में प्रार्थना करो, इनकी कृपा होगा तो हमारी गोविंद देव की हमें कृपा मिलेगी। ठीक है, श्री गोविंद देव की जय, श्री वृंदा देवी।